नया फोन लेना चाहते हैं और आपका बजट 25,000 के अंदर है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी का फोन लूं, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी ऑप्शंस हैं 25,000 के अंदर फोन्स की, तो मुझे भी पहली बार तो समझ नहीं आया था। मैंने आपके लिए 5 बेस्ट फोन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें मैंने कैटेगरी रखी है 45 mAh की बैटरी उसमें होनी चाहिए, 3.5 mm जैक भी होना चाहिए, 5G फोन होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो और आपका जो मेन कैमरा हो वो कम से कम 48 MP का तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो फोन आपके लेटेस्ट हैं जो इसी साल रिलीज हुए हैं, मैंने उन्हीं सारे फोन को इस कैटेगरी में सिलेक्ट किया है। सो गाइज, हाई, दिस इज सचिन शर्मा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले 5th नंबर पे जो मेरे पास फोन है वो है Realme 8 Pro। ये जो लॉन्च हुआ था ये 24 मार्च के 2021 के आसपास लॉन्च हुआ था। इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो लगा है 720G, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें आपको प्लास्टिक बैग ही बैग देखने को मिलता है। ड्यूल सिम को ये सपोर्ट करता है और ये ड्यूल स्टैंडबाय पे ही चलता है। 6.4 इंच की आपको बड़ी स्क्रीन इसमें मिलती है। एंड्रॉयड 11 के साथ इसमें Realme UI 2.0 का सपोर्ट आपको मिलता है। इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी अलग से देखने को मिलता है। मेमोरी वेरिएंट के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 6 और 8 GB की रैम वेरिएंट मिलते हैं और इसमें आपको 128 GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। कैमरा आपको इसमें मेन जो वाइड कैमरा है, जो मेन कैमरा होता है वो है 108 MP का। 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 MP का आपको मैक्रो मिल जाता है और 2 MP का आपको डेप्थ कैमरा मिल जाता है। 16 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है और इसकी पिक्चर क्वालिटी डिसेंट है, काफी अच्छी पिक्चर्स ये आपको क्लिक करके देता है। दोस्तों 3.5 mm जैक को भी ये सपोर्ट करता है, मतलब का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाउड स्पीकर भी आपको इसमें मिलते हैं। ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको वाईफाई NFC का सपोर्ट मिलता है। रेडियो का आपको इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इसमें आपको जो सिक्योरिटी मिलती है वो मिलती है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, एक्सेलेरोमीटर भी आपको इसमें सेंसर मिलता है, जायरो भी, प्रॉक्सिमिटी और कंपास जैसे सेंसर भी आपको इसमें मिलते हैं। लिथियम पॉलीमर 45 mAh की 4500 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलती है। एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये आपके फोन को कम से कम 40 से 45 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है। कलर वेरिएंट के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं पता कि कंपनीज किस तरह से कलर को चूज करती हैं। तो इसके जो कलर वेरिएंट है वो है इन्फिनाइट ब्लू, ब्लू कलर ही बोल देते तो सही रहता, इन्फिनाइट ब्लैक भी आपको इसमें मिलता है, प्लंक ब्लैक भी आपको इसमें मिलता है और इसमें येलो कलर की जो इल्यूमिनेटिंग येलो कलर भी आपको इसमें मिलता है। कंपनीज ने ये सारे कलर्स रखे हैं। प्राइस सेगमेंट के बारे में बात करूं तो इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 18,000 से स्टार्ट हो जाता है। जो 4th नंबर पे मैंने आपके लिए फोन सिलेक्ट किया है वो है Xiaomi का Mi 10i 5G फोन है ये। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। आपको जो गोरिल्ला ग्लास मिलता है इसमें, ये आगे और पीछे दोनों साइड ही गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। जो हमने पिछले वाला जो फोन मैंने आपको बताया था उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है और प्लास्टिक बैग मिलता है, लेकिन इसमें आपको ग्लास बैग भी देखने को मिलता है। OS के बारे में बात करूं तो आपको इसमें Android 10 based MIUI 12 का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको GPU मिल जाता है Android का 619, 6 और 8 GB के वेरिएंट आपको इसमें मिलते हैं, 128 GB का आपको इंटरनल मेमोरी मिलती है और 128 GB की ही आपको 8 GB में भी 128 GB का ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। यानी कि रैम आप अलग अलग ले सकते हैं लेकिन इंटरनल मेमोरी आपको सेम ही मिलेगी। कैमरा के बारे में बात करूं तो आपको कैमरा इसमें सेम दिया गया है Realme 8 Pro की तरह, यानी कि 108 मेगापिक्सल का आपका वाइड कैमरा जो मेन कैमरा होता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा इसमें मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा इसमें मिलता है। फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। जो बैक में आपको LED फ्लैश मिलता है वो ड्यूल LED फ्लैश है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इसमें भी आपको लाउड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। 3.5 mm जैक आपको इसमें आता है। ब्लूटूथ 5.0 वेरिएंट के साथ ये फोन आपके मार्केट में निकाला गया है Xiaomi के द्वारा।
अगर NFC के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, रेडियो का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलता है, IR ब्लास्टर आता है, यानी कि आप अपने फोन से ही अपने घर की जो TV है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें मिलता है, एक्सीलरोमीटर, जाइरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास जैसे सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें लिथियम पॉलीमर 4820 mAh की बैटरी मिल जाती है। ये एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है। 33 वॉट का आपको इसमें फास्ट चार्जर मिल जाता है। फिर से वही दोस्तों, कलर वेरिएंट के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, पैसिफिक सनराइज, मिडनाइट ब्लैक एंड एटलांटिक ब्लू। कंपनीज पता नहीं किस तरह से डिसाइड करती है, मेरे हिसाब से तो आपको सीधी ब्लैक ब्लू कलर बता देने चाहिए तो सही रहता है। लेकिन जो प्राइस सेगमेंट दोस्तों जो मेन आता है वो है, इसका प्राइस सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है 21,999 rupees से। थर्ड नंबर पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको ग्रे कलर में बदल दें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो मैंने आपके लिए फोन सिलेक्ट किया है वो है IQ Z3। ये काफी अच्छा फोन है, ये लॉन्च हुआ था मार्च 25 के आसपास। इस फोन में आपको प्रोसेसर मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 768G का, ये एक 5G प्रोसेसर है। इसमें आपको स्क्रीन मिल जाती है 6.5 इंच की, काफी बड़ी स्क्रीन है। अगर OS के बारे में बात करूं तो आपको इसमें Android 11 का सपोर्ट मिलता है और फ्रंट टच 11.11 आपको इसमें मिलता है। GPU के बारे में बात की जाए तो 620 का GPU आपको इसमें मिलता है। मेमोरी के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको अलग अलग मेमोरी वेरिएंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 6 128GB का RAM वेरिएंट मिलता है, फिर उसके बाद आपको 8 128GB का RAM वेरिएंट मिलता है, 256GB का भी RAM वेरिएंट आपको इसमें मिलता है, और लास्ट में आपको 12GB की RAM के साथ 256 का इंटरनल मेमोरी भी देखने को मिलती है। इसमें कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलता है। 64 MP का आपको वाइड कैमरा मिलता है, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 2 MP का आपको मैक्रो कैमरा मिलता है। 16 MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है। स्पीकर्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको लाउड स्पीकर का भी सपोर्ट मिलता है और 3.5mm जैक भी आपको इसमें मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन के बारे में देखा जाए तो 5.1 का इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन दिखता है। काफी अच्छा प्रोसेसर होने के साथ साथ भी कैमरा भी आपका इसका काफी ज्यादा अच्छा है। GPS, NFC, हर एक चीज आपको इसमें मिलती है। NFC का सपोर्ट आपको इस फोन में नहीं मिलता है, सॉरी मैंने आपको NFC पहले बोल दिया था, लेकिन आपको इसमें NFC का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करूं तो आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, एक्सीलरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास जैसे सेंसर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो आपको इसमें लिथियम पॉलीमर 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है, एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये 55 वाट के फास्ट चार्जर के सपोर्ट के साथ आता है। जो कलर वेरिएंट है दोस्तों, इसमें कलर वेरिएंट आपको भी 3 मिल जाते हैं, एस ब्लैक, साइबर ब्लू और सिल्वर कलर आपको इसमें देखने को मिलता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट 25,000 के अंडर है तो आप इस फोन की तरफ जरूर देखें, क्योंकि ये काफी अच्छा फोन है और इसमें जो गेमिंग चलती है वो भी काफी ज्यादा लाजवाब है। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड के लिए ना काफी ज्यादा कंपटीशन था, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस फोन को मैं फर्स्ट पे रखूं और किसको सेकंड पे रखूं, इसीलिए मैंने सेकंड नंबर पे रखा है OnePlus का Nord CE जो हाल ही में लॉन्च हुआ था और ये काफी अच्छा फोन है। अगर आप OnePlus का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, पहली बार आप OnePlus का कोई फोन लेना चाहते हो तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। प्राइस सेगमेंट के बारे में बात करूं तो ये 23,000 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 750G का सपोर्ट मिल जाता है। स्क्रीन के बारे में बात करूं तो 6.43 इंच की आपको इसमें बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ ये स्क्रीन आपको मिलती है। इसमें भी आपको दोस्तों प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है, अगर ग्लास बैक होता तो काफी अच्छी बात हो सकती थी। GPU के बारे में बात करूं तो इसमें Adreno 619 का आपको GPU मिलता है जो एक अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग करने के लिए। तो अगर मैं इसमें कार्ड स्लॉट के बारे में बात करूं तो आपको इसमें कोई भी मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। रैम वेरिएंट आपको 3 रैम वेरिएंट इसमें मिल जाते हैं, 6, 8 और 12 GB के।
इसमें जो आपको इंटरनल मेमोरी मिलती है 6 और 8 के साथ तो आपको 128GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी, लेकिन 12GB के साथ आपको इसमें 256GB की रैमिडेंट जो इंटरनल मेमोरी है वो मिल जाएगी। कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं तो 64MP का आपको इसमें वाइड कैमरा जो मेन कैमरा है वो मिलता है, 8MP का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और 2MP का आपको इसमें डेप्थ कैमरा मिलता है। 16MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा आता है, 3.5mm जैक का सपोर्ट भी इस फोन में आपको मिलता है और ये एक लाउड स्पीकर को भी जो इसके स्पीकर्स हैं वो लाउड स्पीकर हैं, तो मतलब आपको टेंशन नहीं है, तो जो आपका साउंड एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा होने वाला है। ब्लूटूथ वेरिएंट के बारे में बात करूं तो आपको इसमें लेटेस्ट 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है, GPS NFC का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, रेडियो आपको इसमें नहीं मिलता है, वाईफाई भी आपको इसमें लेटेस्ट मिलता है। तो सिक्योरिटी के बारे में बात करूं और सेंसर्स के बारे में बात करूं तो आपको इसमें जो सेंसर मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर वो मिलता है आपको, अंडर डिस्प्ले सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर आपको इसमें मिलते हैं। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो आपको इसमें लिथियम पॉलीमर 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, ये एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है, साथ में आपको इसमें 30W का फास्ट चार्जर मिल जाता है और ये आपको आपके फोन को कम से कम 60 से 70 मिनट में पूरा चार्ज कर देगा। कलर वेरिएंट के तरफ देखूं तो इसमें आपको ब्लू वाइट, चारकोल इंक और सिल्वर रे जैसे कलर मिल जाते हैं। सिंपल कलर के नाम क्यों नहीं रखती होंगी कंपनीज, मुझे सच में समझ में नहीं आता है। प्राइस सेगमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको हर एक वेरिएंट के लिए अलग अलग प्राइस देना पड़ेगा, इसकी स्टार्टिंग प्राइस 23,000 से शुरू हो जाती है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं फर्स्ट नंबर पे, मैंने इस फोन का अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे फोन है वो है Xiaomi Redmi Note 10 Pro जो मार्च 2021 में ही लॉन्च हुआ था। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर मिल जाता है, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये 5G प्रोसेसर है। इसमें आपको बैक में ग्लास बैक मिल जाता है और ये Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर स्क्रीन के बारे में बात करूं तो 6.67 इंच की आपको इसमें स्क्रीन मिल जाती है, GPU आपको 618 का GPU इसमें मिलता है। इसमें आपको लेटेस्ट Android 11 MIUI 12 का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको डेडिकेट मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलता है। रैम वेरिएंट के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 6 और 8GB के रैम वेरिएंट मिल जाते हैं। आपको 6GB में 64GB और 128GB के इंटरनल मेमोरी मिल जाती है और 8GB में आपको 128GB का इंटरनल मेमोरी मिल जाता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं तो आपका इसमें जो मेन कैमरा है वो है 108MP का जो वाइड कैमरा है, 8MP का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, 5MP का आपको इसमें माइक्रो कैमरा मिल जाता है और 2MP का आपको इसमें डेप्थ कैमरा मिल जाता है। 16MP की फ्रंट सेल्फी कैमरा के साथ ये फोन आता है, 3.5mm जैक का सपोर्ट भी आपको इस फोन में मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर को भी ये सपोर्ट करता है। आपको इस फोन में लेटेस्ट 5.1 ब्लूटूथ वेरिएंट मिल जाता है, GPS का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, NFC का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन IR ब्लास्टर आपको इस फोन में मिलता है, आप अपने फोन की हेल्प से अपने घर के TVs को कंट्रोल कर सकते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये फोन आता है और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी ज्यादा फास्ट है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी है, फेस अनलॉकिंग भी काफी अच्छा है, आप आई बटन पर जाके इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। इसमें आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास सेंसर भी मिल जाते हैं। इसमें आपको बड़ी लिथियम पॉलीमर 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, ये एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है। और चार्जिंग के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो आपके फोन को कम से कम 65 मिनट से 70 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है। इसके जो कलर वेरिएंट है दोस्तों फिर से वही डार्क नाइट, ग्लेशियल ब्लू और वेंटेज ब्राउन्स के नाम से आते हैं ये कलर वेरिएंट। इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो 20,000 से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये थे मेरे द्वारा रिकमेंड किए गए 5 बेस्ट फोन, अगर आपका बजट 25,000 से अंडर है तो आप इन 5 फोनों की तरफ जरूर देखें। हर एक फोन का जो बाय लिंक है, बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके अपने लिए कोई भी फोन एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हर एक फोन की डिटेलिंग आपको इस वीडियो में दे दी है। तो गाइस अपना ध्यान रखें, घरों पे रहें, सेफ रहें, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।